नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, चाहे वो डाउनलोड वेबसाइट हो, मूवी वेबसाइट हो, या फिर ऐसी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड की वेबसाइट हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आज मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा एड नेटवर्क है जिससे आप गूगल एडसेंस जितना ही अर्निंग कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे डैशबोर्ड में मैंने पॉपुलर एड कनेक्ट किया हुआ है। मूवी वाली वेबसाइट है मेरी moviehdflex.com, एक बार ज़रूर विजिट करके ज़रूर देखिएगा मैं कौन कौन सी ऐड नेटवर्क इससे कनेक्टेड किया हुआ है, क्योंकि ये मूवी की वेबसाइट है, डाउनलोड वेबसाइट है, और इसमें मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाएगा, और मिल भी पाएगा तो वो मतलब डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मूवी वेबसाइट में आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं लेना चाहिए। कभी मिल भी गया हो तो मतलब डिसेबल हो जाएगा कुछ दिनों या कुछ साल के बाद। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप ऐसा एड नेटवर्क यूज़ करो जिससे आप गूगल एडसेंस जितना ही अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कितनी सारी अर्निंग इससे निकाल चुका हूँ। आप देख सकते हो ये पहले मैं $20 अर्निंग इससे पे आउट लेता था, लेकिन पेपल के थ्रू जब पायोनियर के थ्रू जब लेना होता है तो $3 ये कट करके अपने बैंक अकाउंट में डालता है। इस वजह से मैंने $80 कर दिया है, तो ये मुझे $80 लगभग 15-20 दिन में मिल जाते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने लगभग $304 की अर्निंग ये पॉपुलर एड से ले लिया है, $304 का। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो ये moviehdflex.com मैंने साइट वेरीफाई करके इसमें अप्रूवल लिया हुआ है, और इसमें डेली बेसिस पे आपको अच्छी खासी अर्निंग आपको देखने को मिलती है। ये प्रॉफिट है मेरा, तो $9, $10, $8, $5, $2, ये आप देख सकते हो कितनी सारी मतलब गूगल एडसेंस जितनी ही मुझे अर्निंग इससे मिलता है, और काफ़ी अच्छा CPC भी ये देता है। लेकिन CPM आपको कैसे इम्प्रूव करना है ये मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे आपको कौन कौन से एड नेटवर्क एड इसमें आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी आपका CPM ज़्यादा मिले। ठीक है, आप देख सकते हो CPM इसमें 0.95 है, इस वजह से इसमें $9 बने हुए। तो जैसा CPM ज़्यादा मिलेगा आपको वैसी आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 0.004 का CPM मेरा एवरेज रहा है पॉपुलर एड में। ठीक है, तो इसमें CPM आपको कौन कौन सी एड नेटवर्क आपको यूज़ करना चाहिए। पॉपुलर एड में काफ़ी सारे एड होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार, एक मिनट। तो पॉपुलर एड में आप काफ़ी सारे एड लगा सकते हो। इसमें अभी एड जोन में जाओगे तो मल्टी टैग ऑल इन वन, मतलब इसमें सभी मतलब पांचों, जैसे वन क्लिक पॉप अंडर है, पुश नोटिफिकेशन, इन पेज पुश बैनर एड है, इंडस्ट्रियल एड है, वेगनेट बैनर एड है, ये नया अभी आया, इससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग, और डायरेक्ट लिंक एड है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको मल्टी टैग आप यूज़ करोगे, आपको इसमें से पुश नोटिफिकेशन आपको यूज़ करना चाहिए। उसके साथ आपको ये जो नया ऐड है ये वाला भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो इंडिविजुअल आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि मल्टी टैग से आपको काफ़ी सारी ऐड दिखाई देती है। और ये वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि कैसे आप पॉपुलर एड की CPM कैसे बढ़ा सकते हो डायरेक्ट लिंक के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट लिंक आप यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा CPM मिलता है, मैं बता देता हूँ आपको। आप देखिएगा इसमें डायरेक्ट लिंक यदि आप यूज़ करते हो तो डायरेक्ट लिंक के लिए आपको यहाँ पर जाना होता है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक क्रिएट करना होता है, ऐड डायरेक्ट लिंक। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये ऐसे आप क्लिक करोगे तो ये जो लिंक है आपको ये कॉपी करना है, और इस लिंक को आपको कहाँ पे पेस्ट करना है आप मेरी वेबसाइट में जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं जस्ट आपको रिफ्रेश करके ओपन करके बताता हूँ कि पॉपुलर एड की डायरेक्ट लिंक मैंने कहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जस्ट मिनट। एक मिनट, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया। ये देखिएगा, तो ये मेरी moviehdflex.com की वेबसाइट है। इसमें मैं मूवी के रिलेटेड आर्टिकल डालते रहता हूँ, जैसे डाउनलोड मूवीज़ वगैरह, ये सब कुछ मैं डालते रहता हूँ। थोड़ा इंटरनेट स्लो हो गया है।
ये देखिएगा, ये मूवी की वेबसाइट है मेरी moviehdflash.com। आप देखिए मेरी वेबसाइट में एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पॉप एड ओपन हो गई, ठीक है। तो इससे बाउंस बैक आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आपकी मूवी की वेबसाइट है तो इसमें भर भर के ट्रैफिक आता है। और जिन लोगों को मूवी डाउनलोड करना होता है वो एक दो बार क्लिक ज़रूर करते हैं। आप देखिएगा ये जो ऐड आ रही है, ये एडवर्टिका की ऐड है, और ये ऐड नेटवर्क, मैंने दूसरा ऐड नेटवर्क भी इसमें यूज़ किया है, नो प्रॉब्लम। इसमें आप मल्टीपल ऐड नेटवर्क यूज़ कर सकते हो पॉपुलर ऐड के साथ। तो मैंने इसमें जो ऐड यूज़ किया एडवर्टिका का, ये है एफिलिएट ऐड। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना लूँगा कि इसके साथ मैंने ये एफिलिएट ऐड नेटवर्क भी यूज़ किया है, और इससे भी मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग, मतलब एक वेबसाइट से मैं दो दो ऐड नेटवर्क यूज़ करके इसमें से अर्निंग करता हूँ। तो $10 का इसमें मैंने मिनिमम पे आउट पेपल के थ्रू मैंने कितने सारे पे आउट इसमें से ले लिया है। तो वीकली पेमेंट है, जब भी $10 हो जाते हैं तो पे आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने पॉपुलर ऐड प्लस एफिलिएट ऐड भी, ऐड नेटवर्क भी यूज़ किया है। एफिलिएट ऐड नेटवर्क का कैसे आपको कनेक्ट करना है, क्या करना है, ये इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना कर बता दूंगा। यदि आप इंटरेस्टेड हो कि एफिलिएट ऐड नेटवर्क भी आपको कैसे अप्रूवल करवाना है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको पॉपुलर ऐड में डायरेक्ट लिंक आपको कैसे डालना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एफिलिएट ऐड नेटवर्क का ऐड है, ठीक है। तो ये जो ऐड आपको दिखाई दे रहा होगा ये इमेज की तरह, तो ज़्यादातर लोग जब मूवी डाउनलोड वेबसाइट में आते हैं तो ये डाउनलोड वाला जो बटन है इसको ज़रूर क्लिक करते। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पॉपुलर ऐड का ऐड ओपन हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो, जस्ट मैं बता देता हूँ, ये देखिएगा ये भी मैंने डायरेक्ट लिंक यूज़ किया हुआ है, ये डायरेक्ट लिंक ओपन हुआ है पॉपुलर ऐड का, ठीक है। तो इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि डाउनलोड वेबसाइट है तो लोग इसमें 4K HD जो मैंने इमेज यूज़ किया है इसमें डाउनलोड बटन को ज़रूर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही ये डायरेक्ट लिंक ओपन होगा पॉपुलर ऐड का और मुझे अर्निंग होती है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लिंक मैंने ये भी एक डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये भी एक डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, ये भी एक डायरेक्ट लिंक है। जैसे ही कोई क्लिक करता है तो पॉपुलर ऐड का डायरेक्ट लिंक यूज़ होता है, ओपन होता है, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ करना है, तो इसका मैं कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें देखिएगा ये वाला कोड आपको यहाँ पर पेस्ट करना होता है। यहाँ पर आपको ये इमेज का URL है, ठीक है, और ये इमेज की साइज़ है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक पेस्ट करना होता है। जैसे कि डायरेक्ट लिंक आपने यहाँ पर जनरेट किया है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये डायरेक्ट लिंक है, इस लिंक को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इस कोड में यहाँ पर ये वाला ही कोड है, इतना ही, ये वाला मैं बाद में बताऊँगा आपको, अभी जस्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक दूसरा ऐड मैंने यूज़ किया है इसकी वजह से। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है, और यहाँ पर इमेज का URL आपको पेस्ट करना होता है, और इस सभी कोड को आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और अपने वेबसाइट के ये जो ऐड इंसर्शन आप गूगल एडसेंस के लिए यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे आपको पैराग्राफ के बाद आपको ऐड इंसर्शन के जरिए आप अपनी वेबसाइट में मन चाहे वहाँ पर ऐड आप डाल सकते हो। जैसे मैंने ये कॉपी किया है तो यहाँ पर आपको जस्ट पेस्ट कर देना, मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दिया है। तो ये देखिएगा ये डायरेक्ट लिंक है, आप देख सकते हो ये डायरेक्ट लिंक है पॉपुलर ऐड का, और ये इमेज का URL है, ठीक है, ये इमेज का URL है जो मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। ये इमेज का URL, ये वाला इमेज का URL है, मेरी वेबसाइट में ये इमेज मैंने अपलोड किया है, और इसी इमेज में लोग क्लिक करते हैं क्योंकि 4K अल्ट्रा HD डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वॉच करना चाहते हैं, ठीक है। तो लोग इसमें क्लिक करते हैं और डायरेक्ट लिंक मेरा ओपन होता है, और इससे मुझे पॉपुलर ऐड से काफ़ी अच्छी अर्निंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो $80 तक की अर्निंग मैंने पे आउट रखा हुआ है, आप देख सकते हो $80 मैंने लास्ट टाइम लिया हुआ था, $21, $23, $20। तो यदि आपकी वेबसाइट रैंकिंग पोजीशन में कोई, ये तो मेरी इंडिया में रैंक हो रही है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में यदि आपकी वेबसाइट रैंक हो गई तो काफ़ी भर भर के आपको मतलब अर्निंग मिलेगी, ठीक है।
इंडियन वेबसाइट है, तो इंडिया में रैंक हो रही है मूवी की वेबसाइट है, तो थोड़ा CPM कम है, तो भी CPM काफ़ी अच्छा है इसमें, मैं देख सकता हूँ, आपको देखने को मिलेगा इसमें CPM रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है आपको। मैं बता देता हूँ एक बार CPM रेट के बारे में, ठीक है, तो CPM भी इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, आप देख सकते हो इसमें CPM रेट लगभग 0.12, 0.9, 0.5, 0.4, 0.4, एवरेज CPM मेरा 0.4 का होता ही है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आपको देखने को मिलेगी। यदि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले पा रहे हो तो मायूस मत होइएगा, गूगल एडसेंस से भी अच्छे अच्छे ऐड नेटवर्क है जिससे आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉगिंग हम करते कुछ अर्निंग करने के लिए करते, कुछ पैसे डाल के 5-6 हज़ार डाल के डोमेन होस्टिंग लेते, कुछ महीने 2 महीने आप वर्क भी करते हो और गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप मायूस हो जाते हो कि मुझे अब अर्निंग नहीं होगी, या फिर गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है तो आप एकदम मतलब बेकाबू हो जाते हो कि अब मेरी वेबसाइट का कुछ नहीं हो सकता भले कितना भी ट्रैफिक आ रहा हो, ठीक है। तो यदि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक है 100, 150, 500, 600 या 1000 का ट्रैफिक है तो पॉपुलर एड से आप काफ़ी अच्छी डेली बेसिस पे $1 तक की अर्निंग आप इजीली ले सकते हो। तो इसमें पॉपुलर एड में वीकली पेमेंट का भी ऑप्शन होता है, मैं एक बार पेमेंट का बता देता हूँ कि वीकली पेमेंट मैंने कैसे इसमें सेट किया हुआ है, जस्ट मिनट। पेमेंट मेथड में आप जैसे ही जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने वीकली पेमेंट का इसमें सेट किया हुआ है $80 मैंने वीकली पेमेंट रखा हुआ है, ठीक है, और पायोनियर की थ्रू मैं इसमें पायोनियर मैंने कनेक्टेड किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप जाकर आप कौन सा पेमेंट मेथड आप कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट कर सकते हो, जैसे पेपल है, पायोनियर है, स्क्रिल है, वेब मनी है, ठीक है, तो मैंने पायोनियर कनेक्ट किया हुआ है। पेपल भी आपको सेम मतलब $2 कट करके देता है, पायोनियर मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है, तो $80 में से $3 कट होकर लगभग $77 मेरे अकाउंट में आता ही है, तो अभी $79 हो चुके हैं। जैसे ही $80 होगा थर्सडे को होता है तो सैटरडे या संडे तक पे आउट हो जाती है, तो या फिर हॉलीडे होता है बैंक से तो मंडे तक ये पेमेंट मुझे मिल जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको इसी के लिए मैंने बनाकर बताया कि यदि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आप देख सकते हो, movieHDFlex.com का गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट मैंने ओपन करके आपके सामने रिफ्रेश करके बता देता हूँ, तो 14 का ट्रैफिक, 15 का ट्रैफिक मेरी वेबसाइट में राइट नाउ का चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग मुझे देखने को मिलती है। मूवी की वेबसाइट है 17 का ट्रैफिक हो चुका है, आप देखिएगा ये सभी मूवी डाउनलोड वेबसाइट है मेरी, आउट ऑफ इंडिया से भी ट्रैफिक आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको अर्निंग करना है तो पॉपुलर एड ज़रूर कनेक्ट कीजिए, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर उस लिंक से क्लिक करके आप अप्रूवल ले सकते हो, अप्रूवल लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लिंक के थ्रू आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि पॉपुलर एड के साथ साथ यदि आपकी कोई मूवी डाउनलोड या इलीगल साइट है तो आप 2 नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हो, 2-3 यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा एड नेटवर्क भी यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरी एड ही एड आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलर एड के साथ मैंने एफिलिस्ट एड भी यूज़ किया है, तो इससे भी वीकली पेमेंट मुझे $10 का पे आउट मैंने ले लिया है, कितनी बार पेमेंट लिया हुआ है, तो दोनों एड नेटवर्क मैंने कनेक्ट करके इससे अर्निंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है यदि आपको आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उन कमेंट का उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो थोड़ा भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ अच्छा मैंने बताया, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मायूस हो रहे हैं, जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले पा रहे हैं, लिए हुए हैं डिसेबल हो गया या किसी और कारण से उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो पॉपुलर एड ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। ये कोई पॉपुलर एड का क्या बोलते हैं उसको, मुझे मालूम नहीं, पॉपुलर एड का जो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, छोड़ो, पॉपुलर एड के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बताया बनाया है,
केवल आप लोगों को बताने के लिए कि पॉपुलर एड से भी अर्निंग होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी अर्निंग आपको देखने को मिल सकती है पॉपुलर एड से भी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिएगा मेरी वेबसाइट में 23 का ट्रैफिक है राइट नाउ का, जस्ट रिफ्रेश करके आपको बताते रहता हूँ। जो भी है मैं हकीकत आपको बताते रहता हूँ कि अर्निंग ऐसे की जाती है, ठीक है। यदि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक है, कोई भी एड नेटवर्क आप कनेक्ट कीजिए, अर्निंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।